Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikhapuri and in this session we will discuss about the very important topic that is natural justice. आज हम natural justice के principles के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ही पुराने टाइम से जो है ये प्रिंसिपल चला आ रहा है। अगर आपने जजमेंट्स भी पढ़ी होंगी तो जजमेंट्स में लिखा होता है natural justice वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में तो बहुत बार बार ये चीज़ लिखी होती है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, राइट? तो हम आज इस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और इस प्रिंसिपल में दो बेसिक रूल्स हैं, दैट इज रूल अगेंस्ट बायसनेस एंड ऑडी ऑल्टरम पार्टम। इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम लॉ पढ़ें, आप अगर लॉ ग्रेजुएट्स हैं तो आपको पता होगा ऑडी ऑल्टरम पार्टम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट आ जाता है। जब भी हम कोई प्रोसीजर पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, ठीक है? इसके बारे में हम अभी जानेंगे कि ये लीगल मैग्जिम तो है, ठीक है? अभी अगर जिन्होंने ये नहीं सुना होगा उनके लिए होगा कि व्हाट इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम, लेकिन हम ये प्रॉपर तरीके से आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा, अच्छे से इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से इसको कवर करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड नॉर्मल अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में भी बात की जाए और लॉ ऑफिसर्स के जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में भी बात की जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो उससे पहले देखिए, यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया। आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको गाइस जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, राइट? चलिए अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस जो वर्ड है ना वो कहाँ से आया है? जस्ट नेचुरल से। जस्ट नेचुरल ऑफ द रोमन लॉ। It is closely related to common law and moral principle but is not codified. It is law of nature which is not derived from any statute or constitution. देखिए natural justice एक ऐसा principle है, एक ऐसा rule है कि जो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि law बना। देखिए हमारे law जो बनता है statute होता है, एक हमारे presidents होते हैं। अब what is presidents? President होते हैं कि जैसे जो judgments आई हैं, जो जजमेंट पुराने टाइम में आती रहती हैं उस अकॉर्डिंग हमारे जो नेक्स्ट जजेस होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से पहले जो जजेस ने हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से टारगेट किया है, किस तरह से इसको आगे इसको पेश किया है, उसी तरह से फिर वो अगली जजमेंट भी निकाल देते हैं। तो लेकिन नेचुरल जस्टिस की बात करें तो ये इन दोनों में से कहीं से भी नहीं आता, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है। ये एक अलग से एक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई भी कोर्ट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर लिया जाएगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा और जो वो प्रोसीजर फॉलो करेगा उसमें ये नेचुरल जस्टिस अप्लाई होना चाहिए। ये हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। हम बात करेंगे कि इस नेचुरल जस्टिस में आता क्या है। देखो वर्ड से समझो सबसे पहले कि नेचुरल जस्टिस अंदर से एक जस्टिस की भावना। देखो नेचुरल जस्टिस एंड लॉ ऑफ इक्विटी, ये एक ऐसी दो टर्म्स है ना। लॉ ऑफ इक्विटी के बारे में इफ यू वांट टू नो लॉ ऑफ इक्विटी आई विल मेक द सेपरेट वीडियो बिकॉज वो एक अलग कंसेप्ट है, उसमें एक अलग थोड़ी अलग बातें भी है, उसमें मैग्जिम्स आ जाती हैं, उसके लिए हम अलग से टॉपिक बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? इफ यू वांट टू नो। अगर हम इसकी बात करें ये दोनों एक तरह से बहने हैं, ठीक है? हमारा नेचुरल जस्टिस और लॉ ऑफ इक्विटी बिल्कुल कोरिलेट करके चलता है। नेचुरल जस्टिस मतलब अंदर से एक जस्टिस की भावना, एक प्रोसीजर में आप किस तरह से काम कर रहे हो वो नेचुरल जस्टिस बात करता है, ठीक है? अब अगर देखो ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है तो ये बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, ठीक है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वेरी ओल्ड कंसेप्ट एंड इज ओरिजिनेटेड एट एन अर्ली स्टेज। द पीपल ऑफ ग्रीक एंड रोमन वर आल्सो फेमिलियर विद द कंसेप्ट। इन द डेज ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अदम वन एक्नॉलेज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब देखिए अपने हिंदू मिथोलॉजी की भी बात करें तो देखिए कहाँ से, जब कौटिल्य का टाइम, अर्थशास्त्र के टाइम पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हुआ करता था। अब आप बोलोगे कि मैम अब सस्पेंस हटाइए, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल बताइए तो जरा कि ये है क्या। तो नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? एक सेंस है और व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या गलत है क्या सही है। अगर गलत है तो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर सही है तो उसको किस तरह से देखना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये हमारा नेचुरल जस्टिस बात करता है। देखिए क्या लिखा है, इन इंडिया दिस कंसेप्ट एट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट एन अर्ली टाइम। In the case of Mohinder Singh Gill versus Chief Election Commissioner, हमारा Mohinder Singh Gill versus Chief Election Commissioner का केस था, उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि concept of fairness should be in every action whether it is judicial, quasi-judicial, administrative और quasi-administrative work। कि एक concept होता है fairness का, एक concept होता है कि जिसमें justice provide किया जाएगा हर एक action में, वो चाहे आपका जुडिशियल हो, चाहे कोई क्वाजी जुडिशियल हो, चाहे वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, चाहे वो क्वाजी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, लेकिन उसमें प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई होगा, नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस का उसमें प्रिंसिपल होगा ही। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में इसका अगर हम पर्पस की बात करें तो नेचुरल जस्टिस का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ से आपको और चीजें क्लियर होने लगेगी कि पर्पस क्या है, कि हर एक पार्टी, हर एक पर्सन को बोलने का अधिकार है कि आपकी बात सुनी जाएगी। दो पर्सन अगर आ रही है कोर्ट में तो उन दोनों की बात सुनी जाएगी। कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस का कंसेप्ट है टू फुलफिल द गैप्स एंड लूप होल्स ऑफ लॉ। देखिए कई बार लॉ में भी कुछ लूप होल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है लॉ बिल्कुल ही ज्यादा एग्जॉस्टिव हो, कई बार लॉ में कुछ कुछ चीजें निकल जाती हैं, जो लूप होल्स होते हैं उनको ये क्या करता है, उन गैप्स को ये फुलफिल करता है, फिल करता है, एक्सप्लेन करता है। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके मेरे हम सबके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है हमारा नेचुरल जस्टिस। मैंने आपको पहले भी बोला कि देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब आती है, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा अप्लाई किया जाता है वहां पे। नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जस्टिस का कोई मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, ये बात करता है हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। डेफिनेशन की बात करें कि इसका डिफाइन किस तरह से किया गया है, तो लॉर्ड इशर एमआर ने क्या बोला कि नेचुरल सेंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, लेटर ही हैड चूजन टू डिफाइन नेचुरल जस्टिस एज फंडामेंटल जस्टिस। कि देखिए लॉर्ड इशर एमआर ने कहा कि ये एक नेचुरल सेंस है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो उसके बाद उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया कि एक तरीके से एक फंडामेंटल जस्टिस भी है हमारा। लॉर्ड पार्कर ने कहा कि एक ड्यूटी एक्ट फेयरली, क्योंकि सबकी एक ड्यूटी है। अगर एक जज, देखिए जज, आप जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप अपनी कुर्सी पे, आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप आईएफएस, जो भी आप पोजीशन की चाहते हैं कि मैं ये डेजिग्नेटेड मेरे हाथ में होना चाहिए डेजिग्नेशन, आप वो बनने जा रहे हैं। तो आपकी एक ड्यूटी है कि आप जो भी काम करें, आपका जो भी एक्शन हो, जो भी वर्क हो, एक आपका वो फेयर तरीके से हो। तो ये हमारा लॉर्ड पार्कर ने बोला है कि एक ड्यूटी है जो आप फेयरली एक्ट करें। मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने क्या कहा है कि हैज टेकन इट एज अ फेयर प्ले इन एक्शन। जब आप एक्शन करते हैं तो एक फेयर प्ले काम करता है, ये फेयर प्ले होना चाहिए किसी भी एक्शन में। ये हमारी डेफिनेशन होती, डेफिनेशन हमारी कही गई है। अब आ जाइए कि जो इस प्रिंसिपल के बेसिस हैं, जो प्रिंसिपल ये बेसिकली बात करता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम इसके बारे में बात करेंगे। दो प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट रूल अगेंस्ट बायस, जिसको हम लीगल मैग्जिम है हमारी नेमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ, ये रूल अगेंस्ट बायस। एंड नेक्स्ट है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। देखिए क्या बात करता है रूल अगेंस्ट बायस, नो मैन शेल बी अ जज इन हिज ऑन केस, अपने केस में कोई भी मैन जो है जज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजिंग सा लगा, अब इसकी इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं आपकी, और देखिए क्या बात करता है नेमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ, रूल अगेंस्ट बायस, कि कोई भी पर्सन, चाहे वो जज मान लीजिए, चाहे वो आईएएस आईएफएस, कोई भी मान लीजिए जो अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, उनका अगर किसी भी तरीके से कोई सब्जेक्ट मैटर कीजिए या फिर पार्टीज में कोई इंटरेस्ट है तो वो उसको सॉल्व आउट नहीं करेंगे। मतलब मानो ये हैं दो पर्सन, ये दो पर्सन में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन दोनों का झगड़ा है चल रहा, और यहाँ पर ये हमारे जज साहब बैठे हैं अपनी कुर्सी में, लेकिन ये जज साहब का क्या है, या फिर इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या फिर इस पर्सन को वो जानते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन है इस पूरे के पूरे मैटर में हमारे जज साहब का। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि देखिए जज साहब का अगर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायसनेस क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे जज साहब कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा पिघल जाएंगे। कहते हैं मैं पिघलता नहीं हूं पर थोड़ा सा पिघल सकते हैं शायद, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी जुडिशियल ऑफिसर का या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कोई इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट मैटर में, किसी भी डिस्प्यूट में अगर वो आपके पास आया है तो आप उसको वो हैंडल नहीं करेंगे। यहाँ पर अब ये जो जज हैं वो इस केस को नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनका क्या है, मैं जज इन हिज ऑन कॉज, अपना भी इनका कोई ना कोई कॉज है यहाँ पे, और ये अब इस केस को नहीं सुनेंगे। और अगर कोई भी इस तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, नेचुरल जस्टिस को नहीं अप्लाई करता है, वो जो भी जजमेंट अगर आएगी उसको वॉइड माना जाता है जनाब, वॉइड मतलब नहीं ही माना जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस इतनी बड़ी बात है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल आ गया, हमारा रूल अगेंस्ट बायस, कि कोई भी जज जो है अगर उसका कॉज है, उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है डिस्प्यूट में, कुछ ना मैटर में, तो वो उस केस को हैंडल नहीं करेगा। अब अगर बायसनेस की बात करें तो हमारा नेचुरल जस्टिस बताता है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ बायसनेस। फर्स्ट पेक्यूनरी, सेकंड पर्सनल एंड थर्ड बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनरी क्या बात करता है? पेक्यूनरी बात होता है पैसा, पैसा जनाब, पैसा। अगर किसी भी जज का पैसे से रिलेटेड इस मैटर में क्या होता, इंटरेस्ट होता, तो वो क्या करेंगे, वो ये केस नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट पर्सनल, अब मैंने जब आपको एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि ये जज जो है ये ए पर्सन है और ये इनकी क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पर एक पर्सनल रिश्ता आ गया। या फिर मान लीजिए बी पर्सन है और इनकी पहले से इनके साथ दुश्मनी है, तो कुछ ना कुछ पर्सनल रिश्ता आ गया ना इनके साथ, तो अब ये केस यहाँ पर ये वाले जज नहीं सुनेंगे। ये हमारा नेचुरल जस्टिस बात करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ग्रैंड डॉटर आ गई अपने दादू के सामने कि देखिए अब मेरा ये केस लड़िए, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा दादू क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए, ठीक है, उनके फेवर में कुछ ना कुछ बात निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस बात करता है कि किसी का अगर पर्सनल इंटरेस्ट है किसी का भी, तो वो केस वो नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब देखो ये है एक पार्टी, ये है बी पार्टी, इनका इस घर में क्या है, मतलब एक प्रॉपर एक क्या कहिए फ्लैट्स कह लीजिए, कोई एक प्रॉपर फ्लैट्स हैं, उनमें उनका ये लड़ाई झगड़ा आ गया। ये हमारे ए पर्सन, ये हमारे बी पर्सन, और ये हमारे इस जज साहब के पास आ गए हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये जो जज साहब हैं इनका इस जो ये बिल्डिंग्स है, इनमें जो जितने भी फ्लैट है उनमें उनके कोई 5-6 फ्लैट्स हैं इन बिल्डिंग्स में, तो यहाँ पर या फिर उनका कुछ 50% हिस्सा है, बिल्डर के साथ कुछ कनेक्शन है, मतलब सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर इस केस का सब्जेक्ट मैटर ये बिल्डिंग्स है ना, ये फ्लैट्स है, तो ये फ्लैट्स का कुछ ना कुछ अगर कनेक्शन है हमारे जज साहब के पास कि 5-6 फ्लैट्स इनके पास हैं या फिर 50% का हिस्सा जो है हमारे जज साहब के पास है, तो क्या ये केस इनके पास आना चाहिए? आप खुद से पूछिए, क्या ये केस इनके पास आना चाहिए? कुछ ना कुछ बायसनेस यहाँ पर हो जाएगी ना। वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो कुछ ऐसी बात करेंगे ना कि हाँ ये मेरे फेवर में रहे चीज। तो यहाँ पर भी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि ऐसे केस जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी आपके इंटरेस्ट में हो, कुछ ना कुछ आपका रिलेशन हो सब्जेक्ट मैटर से भी, वो केस भी आप नहीं सुनेंगे, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, जो हमारा फर्स्ट बेसिक रूल है, दैट इज रूल अगेंस्ट बायसनेस, नेमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी ऑल्टरम पार्टम क्या कहता है? बोलने में तो देखिए एक्सेंट ही चेंज हो जाता है इसको बोलने में, ऑडी ऑल्टरम पार्टम एक्सेंट चेंज हो रहा है, लेकिन अगर बात करें तो ये बात करता है लेट द अदर पर्सन बी हर्ड। हर पर्सन को सुनने का, मतलब देखिए जुडिशियल ऑफिसर के पास एक ए पर्सन है एक बी पर्सन है, ये दोनों क्या लेकर आए हैं, केस लेकर आए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ए पर्सन को भी प्रॉपर सुना जाएगा, बी पर्सन को भी सुना जाएगा। बी पर्सन के विदाउट सुने ये जो है जो हमारे जज साहब हैं वो केस को नहीं आगे बढ़ाएंगे, जजमेंट नहीं दे देंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाती है इस केस इस चीज से रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑडी ऑल्टरम पार्टम ये कहता है कि सारी की सारी अच्छे से दोनों की बातों को सुना जाएगा। हियर द अदर पार्टी और द रूल ऑफ फेयर हियरिंग और द रूल दैट नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। हर पार्टी को सुनने का अधिकार है कि आप बोलिए, अपनी बात रखिए। दिस प्रिंसिपल इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिस एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट अ पर्सन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। दिस पर्सन इज सिने क्वा नॉन ऑफ एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी। हर सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ये दिया गया, हर पर्सन को ये राइट दिया गया है कि आपको सुना जाएगा जनाब, आपको सुने के बिना आपके खिलाफ कोई बात नहीं रखी जाएगी। देखो जब कॉम्प्रोमाइज भी होता है, जब सेटलमेंट भी होता है, इवन केस जब चलते हैं, तो हर एक पार्टी को सुना जाता है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्का एक पार्टी को सुनेंगे तो वो तो अपनी ही बात रखेगा, जब दूसरी पार्टी को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा दूसरी पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है, अब फिर आप देखोगे कि बैलेंस करोगे किस तरह से काम करना है मुझे आगे। तो यही रूल हमारा ऑडी ऑल्टरम पार्टम कहता है, राइट। तो अगर हम केसेस की अगर हम जजमेंट्स जजेस की बात करें या फिर हम कोर्ट की प्रोसीडिंग की बात करें, तो देखिए प्रॉपर नोटिस दिया जाता है कि देखिए आपके खिलाफ क्या समन भेजे जाते हैं, ठीक है, कि देखिए जब भी प्लेंट आती है, मतलब सूट फाइल किया जाता है, प्लेंट होती है, हमेशा मैंने ये चीज बताई है, तो प्लेंटिफ प्लेंट लेकर आया और जिस पार्टी के खिलाफ केस लेकर आया वो होती है, तो उन पार्टीज को सम्मन भेजे जाते हैं। सम्मन क्यों? नहीं तो अगर ऑडी ऑल्टरम पार्टम नहीं होता तब तो एक पार्टी केस लेकर आ रही है और चलो जी जजमेंट निकाल दी, समन भेजे जाएंगे जनाब आपके खिलाफ केस आया, आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए, आप भी अपनी बात रखिए, ठीक है। उसके बाद में जब एग्जामिनेशन चीफ एग्जामिनेशन होता है आप अपनी बात रखिए, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसी पर्सन को दूसरा एडवोकेट भी सुनेगा। तो इस तरह से कहानी चलती है। ऑडी ऑल्टरम पार्टम इस तरह से काम करता है, प्रोसीजर में काम कर रहा है। जब केस आया है जुडिशियल ऑफिसर के पास, उसके बाद में किस तरह से प्रोसीजर होगा, ऑडी ऑल्टरम पार्टम वहां पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें कि एप्लीकेबिलिटी, हमारा जो नेचुरल जस्टिस है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो देखिए कोर्ट्स में ये अप्लाई होता है, बट जब मैंने आपको बोला कि एक एक्सेप्शन है ऑडी ऑल्टरम पार्टम में, वो ये है एक्सेप्ट टू एक्स पार्टी। व्हाट इज एक्स पार्टी? एक्स पार्टी का मतलब होता है कि जब एक ही पार्टी है उनकी बात सुन के जजमेंट निकाल दी गई। बट जनाब ऐसा ही नहीं है कि बस इसमें क्या हुआ कि जो दूसरी पार्टी थी, ये जो बी पार्टी थी ना, वो देखो डेट लगी फर्स्ट में, डेट लगी सेकंड में बहुत ही नजदीक हो गया, इतनी नजदीक तो डेट नहीं लगती, बट मान लीजिए कि लगी है। उसके बाद में जून में लगी, जुलाई में लगी, नवंबर में लगी, मतलब अलग अलग लगी। लेकिन ये बी पर्सन आने का नाम ही नहीं ले रहे, बी पार्टी आ ही नहीं रही है। तो बी पार्टी के खिलाफ क्या ऑर्डर कर दिया जाता है? एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है कि आप अब मत ही आओ, आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर है, हम तो अपनी क्या है सुनवाई अब कर रहे हैं। कितना 1 साल 2 साल नहीं आ रहा, अब क्या करें? ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है एक्स पार्टी, तो इसलिए ये एक्सेप्शन आ जाती है ऑडी ऑल्टरम पार्टम के लिए भी, नेचुरल जस्टिस के एक एक्सेप्शन आ जाती है। ट्रिब्यूनल्स पे ये अप्लाई होता है, जो भी अथॉरिटी इंटरेस्ट की गई है विद डिस्क्रिशन बट सब्जेक्ट टू लीगल लिमिटेशन, जो भी डिस्क्रिशन उसको दी गई है कि आप ये एक्शन लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में भी ये अप्लाई होता है, ठीक है, बट अगर लीगल लिमिटेशंस भी होती है कुछ अथॉरिटीज को, तो ये सब पर अप्लाई होता है नेचुरल जस्टिस, जो भी काम कर रहा है इसकी एप्लीकेबिलिटी सब पर। नेक्स्ट आ जाओ, देखिए कुछ क्या है, कुछ पॉइंटर्स ये हमें, देखो एक्सेप्शन ना, कोई भी आप चीज पढ़ते हो प्लीज एक चीज आप ध्यान रखा कीजिए कि जो भी मैं चीज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उसकी एक्सेप्शन मैं पक्का देखूंगी। वाई? तभी आपको ना पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन अच्छा कोई जगह कोई पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पर ये फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा है, और वही अब हम नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करेंगे जहां पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता। अब क्या क्या बातें की गई हैं? एक्सक्लूजन बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, अगर प्रॉपर लॉ ने ही बोल दिया कि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा नेचुरल जस्टिस को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन में ये दे दिया कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन में जो है वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा, तो भी वहां पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा। एक्सक्लूजन इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ऐसा कुछ भी मामला आ जाए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब लोगों के हित में कुछ काम हो रहा है और वहां पर एक कोई फैक्टर ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर अभी नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं करना है, तो क्या मतलब देखो ऑडी ऑल्टरम पार्टम नहीं आए कि कोई टेररिस्ट है उसने क्या कर दिया, मतलब ये तो बहुत ही अलग सा एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक बेसिक सा एग्जाम्पल तरीके से देख लो कि कोई अटैक हो गया। अब यहाँ पर ऑडी ऑल्टरम पार्टम अगर नहीं अप्लाई होना होगा पब्लिक इंटरेस्ट के हित में तो नहीं होगा। एक्सक्लूजन इन केस ऑफ नीड ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन और इन इमरजेंसी और नेसेसिटी, अगर बहुत ही ज्यादा कोई कई बार ऐसा होता है ना, कोई केसेस ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं उनको सुनना, इमरजेंसी के केसेस होते हैं, उस पर अगर नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता है वहां पर एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सक्लूजन ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रैक्टिबिलिटी, इम्प्रैक्टिबिलिटी प्रैक्टिकल ही नहीं है नेचुरल जस्टिस को सुनना, मतलब बी पार्टी की डेथ हो गई मान लो, ठीक है, तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। वैसे तो एलआरस आ जाते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, उस तरीके से आगे भी काम होता है, एक बेसिक सी चीज, ठीक है। तो अगर इम्प्रैक्टिकल है लीगल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करना, तो यहाँ पर फिर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूजन इन केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, किसी बात को कॉन्फिडेंशियल रखना है और उस केस में भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड जहां पर किसी भी पर्सन का राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, नहीं उसको नकारा गया है उसके राइट को, तो वहां पर भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो दीज वर द थिंग्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को आपने एक्सक्लूड किया है तो यू हैव टू क्लैरिफाई दैट थिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स, आपको प्रॉपर रीजंस देने पड़ेंगे कि ये चीज थी इसके लिए, इसलिए हमें क्या किया, हमने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को एक्सक्लूड किया, राइट? तो इस तरह से हमारा नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो ये हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। कमेंट सेक्शन जो आपके लिए ही है, ठीक है, तो आप प्रॉपर समझ सकते हैं, आप मुझसे जान सकते हैं चीज़ों के बारे में। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।